भाई उनके बहनों आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे चूतिया पे की बात करने वाला हूँ जो तुम्हारी चूतिया जिंदगी को महाचूतिया बना देगा। अगर तुम चैन की सांस ले रहे होगे तो तुम्हारे लोड़े लगा देगा, और उस चूतिया पे को कहते हैं एग्जाम्स। पर आज मैं कोई ऐसे वैसे एग्जाम की बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में, जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस के बलबूते पे हो रही है, जो तुमने कतई बहुत ज्यादा ही अटेंड की है, जिसमें तुमने अपना पूरा फोकस ध्यान लगाया है। कोई तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मैसेज करे तो तुमने उस व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर किया है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे है। और मिनिमाइज तो तुम कभी कर ही नहीं सकते, है ना? और सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास लगाना, ना ना, ये तो तुम कतई नहीं कर सकते। और क्लास मिस करना, नेवर, वो तो कतई पाप हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस की इतनी सफलता की वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स किए जाते हैं। नहीं बहन, मुझे समझ नहीं आता इन स्कूल वालों को क्या लगता है, इन्होंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया और बच्चों को समझ आ गया, अजी घंटा साले एग्जाम्स ले रहे हैं, आधी क्लास में तो कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड भी नहीं की होगी। साला पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है, पर इतनी सी बात स्कूल वालों को नहीं समझ आती। अगर अर्थक्वेक, सुनामी, तूफान, साला अगर दुनिया का आखिरी दिन भी हुआ ना, ये स्कूल वाले बच्चों को फिर भी नहीं चांस जीने देंगे। साला पहले ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा था, तो अब ऑनलाइन एग्जाम्स का, नहीं पैसे के आसमान से गिर रहे हैं बहनचोद। एक तो वायरस की वजह से पहले ही पैसे की तंगी चल रही है सबकी, ऊपर से ये साला नेट पैक भी महंगे, और उसके ऊपर इनके ड्रामे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम। बहनचोद, पैसे की बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं। और इनको क्या लगता है ऑनलाइन टेस्ट बहुत ईमानदारी से होंगे? बच्चे तो बहुत ही मासूम है ना, चीटिंग के बारे में तो सोचेंगे नहीं, अजी घंटा मेरा। स्कूल वालों को भी पता कि ऑनलाइन टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, ज्यादातर बच्चे चीटिंग कर ही लेंगे। पर सच तो यह है कि स्कूल वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन एग्जाम और टेस्ट से, इन सालों को तो बस पैसे और एडमिशन से मतलब है, ये पढ़ाई वढ़ाई का तो दिखावा चल रहा है। तो एंड में यार मैं बस यही बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि हर स्कूल में ये ड्रामा चल रहा है या नहीं चल रहा, और जिनके चल रहा है बहुत चूतिया स्कूल है तुम्हारा, और जिनके नहीं चल रहा खुश हो जाओ, बहुत ही खुश हो जाओ, क्योंकि जब तुम खुश हो गए जिंदगी तभी तुम्हारे लोड़े लगाएगी। तो हमेशा की तरह सबके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, तुझे क्या तकलीफ है ऑनलाइन एग्जाम से, पढ़ने का मन नहीं करता तेरा? तो मेरी बात कान के पर्दे फाड़ के ध्यान से सुन लो। स्कूल में जाके पेपर देना अलग बात है, और घर में बैठ के पेपर देना अलग। स्कूल में तुम एक चेयर पे बैठे होते हो, जहाँ पे ना तुम लेट सकते हो और ना ही चिल्ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हर एक हरकत पे है कुल्लू की नजर है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो टीचर। स्कूल में पेपर देना एक स्ट्रगल है, सस्पेंस है, एक्शन है, एडवेंचर है, मोशन है, इमोशन है, बैंक जॉब, सबके मुंह पे अलग अलग रिएक्शन होंगे। पर जब बात आती है घर में बैठ के पेपर देना, साला एक तो वैसे इतनी गर्मी, ऊपर से ये सुस्ती पना पीछा नहीं छोड़ता, हर 10 मिनट बाद तो नींद आती रहती है, ऊपर से घर में पेपर दे रहे हैं। ज्यादातर प्राणी तो बेड पे बैठ कर पेपर देंगे, और बहन जो पता नहीं लगेगा बैठने से लेटने पे कब आ गए, और अगर तुम गलती से सो गए तो जब तक तुम उठोगे बहन जो पेपर सबमिट करने की लिमिट ही खत्म हो गई होगी। और वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास वो नजर बट्टू उल्लू नहीं है जो हर टाइम तुम्हें घंटा बजा के टाइम बताता रहे। और बाकी यार नेट के अपने अलग ही ड्रामे होते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।